नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। शादी की जिद पर आड़ी मंगेतर ने अपने प्यार को आखिरी मुकाम तक पाने के लिए भाई के साथ मिलकर अनोखी अपहरण की साजिश को रच डाला। वो तो गनीमत रही पुलिस की, जिसने महज 4 घंटे में केस वर्क आउट युवती सहित 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर बेनकाब कर दिया। दरअसल 14 मई 2021 को स्टेनो बाबू अंकुर कुमार की मंगनी परिजनों की रजामंदी से प्रियंका से हुई थी। अंकुर और प्रियंका दोनों फोन पर बात करते थे, लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर अंकुर को कुछ प्रिया की बातें नगवार गुजरी, जिसकी वजह से अंकुर ने रिश्ता ठुकरा दिया था। लेकिन प्रियंका किसी भी कीमत पर अपने प्यार अंकुर को खोना नहीं चाहती थी। फिर क्या, प्रियंका ने अपने भाई के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रच डाली। मंगेतर प्रिया ने अपने भाई के साथ मिलकर अपहरण की वारदात को अंजाम भी दिया। अपहरणकर्ता ने अंकुर को गन पॉइंट पर लेकर अपहरण तो कर लिया, लेकिन पुलिस अफसरों की सूझबूझ के चलते महज 4 घंटे में ही अपहरण के केस का पर्दा फाश कर पुलिस के अफसरों ने राहत की सांस ली। दरअसल प्रियंका अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधने के लिए बेचैन थी। वहीं अंकुर ने जब प्रियंका से शादी करने से इनकार किया तो उसने अपहरण की साजिश रची। अपहरण की साजिश रचने की मुख्य वजह सिर्फ ये थी कि अंकुर का जबरन अपहरण कर उससे शादी के बंधन में बंधना, लेकिन पुलिस के एक्शन के सामने जबरन शादी पे पानी फिर गया। आपका जो अपहरण हुआ था, किन लोगों ने किया था और क्यों किया था और कहां से किया था? मैं मॉर्निंग 9:40 पे ऑफिस जा रहा था, रास्ते में जा रहा था। मेरे साथ एक लड़का था बाबू, मैं मोटरसाइकिल चला रहा, रास्ते में 2 लोग मिले मुझे। उन्होंने बाइक रोकी, चाबी निकाली, पीछे से कार आई, उन पे लड़कों पे हथियार थे, सब पे तमंचे थे इन पे। उन्होंने मुझे गाड़ी में घेर लिया, बोले कि गाड़ी में बैठे, नहीं बैठे गोली मार देंगे। वहाँ से गाड़ी में बैठा के मुझे ले गए नजीबाबाद घुमा फिरा के, पूरे रास्ते तमंचे दिखाते रहे, बोल लेगी आज हमारा शादी करेगा या तो यानी गोली मार देंगे। ये मैटर शादी का क्या, हमारी शादी फिक्स हो गई थी पहले, तो उस बीच में मेरी बात हुई तो बात बिगड़ गई हमारी आपस में। तो हम बोल लेते हैं इनसे कि हम शादी नहीं करेंगे, आप फैसला कर लो, जो आपका है हम देने के लिए तैयार हैं। तो बीच बीच में हमारा पंचायत हुई, फैसला भी हो जाता है पंचायतों में, घर जाके फैसले के लिए मना कर देते हैं। तो ये बराबर धमकी दे रहे थे, या तो शादी करेगा या गोली मार देंगे, यानी उठा के मंदिर में शादी कर देंगे। तो आज मॉर्निंग की घटना है कि मैं ऑफिस जा रहा था, इन्होंने रास्ते में उठा लिया, सब तमंचे थे, बोले गया तो आज शादी करेंगे या गोली मार देंगे। कितने लोग थे जिन्होंने अपहरण किया था? 5 जने ये अपहरण करने में थे, 3-4 जने ये वहाँ थे, 6-7 जने। अच्छा, कहाँ ले गए फिर ये? नजीबाबाद। नजीबाबाद में किसी कहाँ की जाना था? नहीं सर, हमारी आपस में ही बात बिगड़ी थी फ़ोन पर, दहेज वहेज का वैसे तो कोई मैटर है नहीं। कप्तान साहब, आज चांदपुर में घटना हुई थी अपहरण की, स्टेनो का अपहरण किया गया था, क्या पूरा मामला था? आज सुबह एक अत्यंत सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि जेएम चांदपुर की कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर हैं अंकुर, उनका अपहरण अज्ञात लोगों ने शस्त्रों के आधार लेकर किया गया, बलपूर्वक किया था। सनसनीखेज घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मैंने स्वाट की टीम को और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चांदपुर की टीम सक्रिय हुई, जिसमें कि 4 घंटे के भीतर ही तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए और अपहरण की बरामदगी की गई। उनके पास 2 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ में घटनाक्रम ये पाया गया कि ये विगत वर्ष इनका एंगेजमेंट हुआ था और अंकुर ने वो एंगेजमेंट तोड़ दिया था। ये लोग उसको धमकी दे रहे थे और आज उसको बलपूर्वक उठा लिया, और उनका उद्देश्य था कि ये आज वहाँ से शादी का जोड़ा भी बरामद हुआ। ये आर्य समाज नजीबाबाद में उसका बलपूर्वक विवाह करना चाहते थे अपनी घर की कन्या के साथ, जो एंगेजमेंट टूटी थी। इसमें उनका कहना था कि अगर विवाह नहीं करेंगे तो हत्या कर देंगे, इसी उनका आशय था। तो इस प्रकार से ये एक अत्यंत सनसनीखेज संगीन घटना थी, जिसमें हमारी पुलिस ने अत्यंत सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए कितने घंटे में खुलासा, क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में स्वाट की टीम 4 घंटे के भीतर और चांदपुर की टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अपहरण को बरामद किया। इसमें 3 अभियुक्त अभी फरार हैं, उनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, टीमें सक्रिय, यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।